इज इंडियन वाइग्रा, वॉट इज हर्बल वाइग्रा। तो दोस्तों जानते हैं हर्बल वाइग्रा क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं दिस इज द पाउडर फॉर्म ऑफ हर्बल वाइग्रा और इंडियन वाइग्रा। इंडियन वाइग्रा का जो बॉटनिकल नेम है इसे हम कहते हैं क्लोरोफाइटम एरोंडिनेशियम, और इसे क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम भी कहा जाता है। क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम और क्लोरोफाइटम एरोंडिनेशियम, हम इसे आम जबान में सफ़ेद मूसली भी कहते हैं। मूसली सफ़ेद, यस मूसली सफ़ेद आप सब जानते ही हैं, और इसी को हम इंडियन वाइग्रा और हर्बल वाइग्रा के नाम से जानते हैं। मूसली सफ़ेद इट इज़ वेरी बेनिफिशियल बोथ इन मैन एंड वोमेन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। इट इज़ वेरी इफेक्टिव टू इंक्रीज द लिबिडो। लिबिडो कहते हैं सेक्सुअल डिज़ायर को, यानी सेक्स करने की ख्वाहिश को। सेक्स करने की ख्वाहिश जिनमें कम होती है या डिज़ायर की कमी होती है, तो उस सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाने के लिए हम सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ सफ़ेद मूसली को हम सेक्सुअल वीकनेस को ट्रीट करने के लिए भी करते हैं। सेक्सुअल वीकनेस और लो लिबिडो, इसमें आप कैसे फ़र्क कर सकते हैं? आप समझ सकते हैं कि किसी में सेक्स करने की ख्वाहिश तो है, यानी इसमें लिबिडो तो है, लिबिडो है, मगर उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो सेक्स कर सके, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सेक्स को पूरा कर सके। तो इस तरह से सेक्सुअल वीकनेस, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, चाहे पेनिस में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमज़ोरी हो, या वेजाइना में कोई कमज़ोरी हो, हर तरह की सेक्सुअल वीकनेस को कम करने के लिए भी हम सफ़ेद मूसली इंडियन वाइग्रा का इस्तेमाल करते हैं। मूसली सफ़ेद इट इज़ एन एफ्रोडाइसिक, पावरफुल एफ्रोडाइसिक एंड एडेप्टोजेनिक मेडिसिन। पावरफुल एफ्रोडाइसिक, एफ्रोडाइसिक मीन्स ऐसी दवा, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सेक्सुअल पावर को इंक्रीज करता है, उसे बढ़ाता है, उसे एफ्रोडाइसिक कहते हैं। और एडेप्टोजेनिक मीन्स ऐसी दवा या ऐसा सब्सटेंस जो स्ट्रेस को कम करता हो या एनजाइटी को रिलीव करता हो, उसे एडेप्टोजेनिक कहते हैं। तो सफ़ेद मूसली या हर्बल वाइग्रा ये सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है, इसलिए इसे एफ्रोडाइसिक मेडिसिन कहते हैं, और ये स्ट्रेस को कम भी करता है। तो हर्बल वाइग्रा इट आल्सो क्योर और ट्रीट द इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी मर्दों में पेनिस जो होता है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे या सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे या सेक्सुअल डिज़ायर के टाइम पे अगर उसमें इतना ज़्यादा तनाव नहीं होता, बहुत ज़्यादा इरेक्शन अगर नहीं आता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूसली सफ़ेद का हम इस्तेमाल इम्पोटेंस को क्योर करने के लिए भी करते हैं। इम्पोटेंस कहते हैं इनएबिलिटी टू बेगेट अ चाइल्ड और पावरलेसनेस टू डू सेक्स, सेक्स करने में वो क्षमता ना हो या बच्चा पैदा करने की सलाहियत ना हो, उसे हम इम्पोटेंस कहते हैं। तो इम्पोटेंस को भी सफ़ेद मूसली के ज़रिए ट्रीट किया जाता है। सफ़ेद मूसली को हम इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन बॉडी में कहीं पे भी अगर इन्फ्लेमेशन है, कहीं वर्म है, स्वेलिंग है, तो उसको कम करने के लिए भी सफ़ेद मूसली फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ सफ़ेद मूसली को हम बॉडी बिल्ड करने के लिए, यानी कि मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, अल्केलॉइड्स, स्टीरॉइड्स। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम ऑल्सो। पोटाशियम और सोडियम, ये दो सॉल्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से पोटाशियम सॉल्ट जो होता है वो हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है, और सोडियम सॉल्ट जो होता है वो हार्ट के लिए नुकसानदेह माना जाता है। मूसली सफ़ेद में कुछ सेपोनिन्स भी शामिल होते हैं। सेपोनिन्स कहते हैं स्टीरॉइड ग्लाइकोसाइड्स को, यानी कि आप ये समझें कि सफ़ेद मूसली में स्टीरॉइड्स भी शामिल होते हैं। ये दो तरह के स्टीरॉइड्स होते हैं, फर्स्ट वन स्टिग्मा स्टेरॉल एंड सेकेंड वन हेकोजेनिन। जो पहला है यानी कि स्टिग्मा स्टेरॉल, इट एक्ट्स लाइक अ टेस्टोस्टेरॉन, जो कि एक मर्दाना हार्मोन है, मेल हार्मोन है, इसीलिए ये मैन पावर को बढ़ाता है। इसमें जो दूसरा स्टेरॉइड है दैट्स कॉल्ड एज हीकोजेनिन, हीकोजेनिन एक्ट्स लाइक अ एनाबॉलिक स्टेरॉइड, यानी कि ये हमारी बॉडी बिल्ड को इंक्रीज करता है, हमारी मसल्स को, हमारे बोन्स को, बोन के डेवलपमेंट को बढ़ाता है। तो इस तरह से बॉडी, जो बॉडी बिल्डर होते हैं या जो जिम में जाने वाले लोग होते हैं, अगर चाहें कि हम अपना मसल्स को बढ़ाएं या मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, तो वो सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल कर सकते हैं।
Oh, 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 oh